हेलो दोस्तों, 66वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके पूरा डिटेल्स। यह ऑफिशियल विज्ञापन है। यहाँ पर सबसे पहले विभाग का नाम दिया हुआ है, पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है और टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर न्यूनतम उम्र का कंडीशन है तो 20 वर्ष है, कुछ पोस्ट के लिए 22 वर्ष भी है और कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष भी है। अधिकतम उम्र यहाँ पर दिया हुआ है 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर आप वैकेंसी का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, सभी पोस्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख लीजिए, टोटल जो वैकेंसी है इस बार 66वीं बीपीएससी में 562 टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर दिया हुआ 562। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो सबसे शुरू में है यहाँ पर 233, यह हो गया जनरल कैटेगरी का, जिसमें से नीचे में जो दिया हुआ यह हो गया, इसमें से 35% महिला का आरक्षण है तो 75 सीट महिला के लिए रिजर्व है। 562 में से 169 सीट यहाँ पर हो गया फीमेल के लिए रिजर्व है, टोटल जो सीट है 562। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, तो फॉर्म भरने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, आप कुछ भी किए हुए स्नातक लेवल का डिग्री है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, तो जिस अनुसार आरक्षण का लाभ मिलता है इसमें भी आपको मिलेगा और आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासी को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। जब आप वेरिफिकेशन के समय जाइएगा तो आरक्षण का लाभ अगर आप लेते हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए सभी कैटेगरी का डिटेल्स दिया हुआ है। फॉर्म भरते समय जो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा और बिहार में जो कैटेगरी है एससी हो गया, एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। अब आगे यहाँ से दिया हुआ है उम्र सीमा के बारे में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उम्र सीमा जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 से न्यूनतम जो होना चाहिए 20 वर्ष, कुछ पोस्ट के लिए था 20 वर्ष, कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष और कुछ पोस्ट के लिए 22 वर्ष। अधिकतम उम्र सभी के लिए लागू है, तो जनरल कैटेगरी में पुरुष का जो होना चाहिए 37 वर्ष, महिला का होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ अनारक्षित जनरल कैटेगरी में महिला हो गया, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, तो जनरल फीमेल कैटेगरी में 40 वर्ष है और जनरल कैटेगरी में मेल का 37 वर्ष उम्र होना चाहिए, बाकी हो गया बीसी, ईबीसी और जनरल कैटेगरी में फीमेल का उम्र होना चाहिए 40 वर्ष। इसके बाद है यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, एससी एसटी कैटेगरी में फीमेल एवं मेल दोनों के लिए 42 वर्ष है अधिकतम उम्र का सीमा। अब आगे यहाँ से दिया हुआ है, अब यहाँ पर शारीरिक क्षमता के बारे में दिया हुआ है, तो जो डीएसपी का पोस्ट होता है उसमें फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में दौड़ नहीं है, इसमें सिर्फ हाइट मापा जाता है और चेस्ट मापा जाता है, चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहाँ पर जो हाइट का कंडीशन है देख लीजिए, 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, अगर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो हाइट होना चाहिए 5 फीट 3 इंच, अगर अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाता है तो 5 फीट 5 इंच तक लिया जाएगा, नहीं उपलब्ध होता है तो उस कंडीशन में 5 फीट 3 इंच लिया जाएगा। फीमेल के लिए जो हाइट है 5 फीट 2 इंच हाइट होना चाहिए डीएसपी पोस्ट के लिए, बाकी किसी के लिए हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर है मेधा सूची के बारे में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 66वीं बीपीएससी का फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा और आपको सबसे पहले पीटी प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम देना है। पीटी एग्जाम पास करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम अगर आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू होता है और मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार और इंटरव्यू में मार्क्स के अनुसार, पीटी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उस अनुसार फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वैकेंसी का 12 गुना अभ्यर्थी को पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है, तो 550 के अप्रोक्स इसमें वैकेंसी है तो 12 गुना अभ्यर्थी को इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। फिर मेंस एग्जाम होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, पीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी आप 150 क्वेश्चन को बना सकते हैं। सिलेबस के बारे में भी आगे आप लोगों को बताएंगे पूरे डिटेल्स में। अब यहाँ पर शुल्क के बारे में देख लीजिए, शुल्क जो है समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये का है और बिहार के जितने भी गर्ल्स हैं सभी के लिए 150 रुपये है, सभी कैटेगरी में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल सभी कैटेगरी के लिए, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये का है और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, बॉयज है, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, गर्ल्स के लिए सभी कैटेगरी में 150 रुपया ही है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाता है
65वीं बीपीएससी पीटी में 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, 30 क्वेश्चन साइंस से हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस जीके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए एक डिटेल से वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अभी जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसी समय आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, दोबारा चेंज करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो मेंस एग्जाम के लिए अभी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी विषय का नाम दिया हुआ है, टोटल 34 विषय इसमें शामिल है, कोई भी विषय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से भाषा पेपर है, हिंदी साहित्य हो गया, अंग्रेजी भाषा साहित्य, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, मैथिली, कोई भी भाषा पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है जो भी विषय उसमें से कोई भी एक विषय सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर टोटल 34 विषय का नाम दिया हुआ है, इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है और उसी विषय को आप सेलेक्ट कीजिएगा जिसकी तैयारी आपको अच्छी है। मेंस एग्जाम में लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉपी पर आपको पेन से लिखना पड़ेगा। ओएमआर शीट पर मेंस एग्जाम नहीं होता है, पीटी एग्जाम आपको देना है ओएमआर शीट पर जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मेंस एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सावधानी से आप विषय को सिलेक्ट कीजिएगा ऑप्शनल पेपर को लेकर। यहाँ पर सभी विषय का आप नाम देख सकते हो और यहाँ पर विषय का कोड दिया हुआ है। अब चलिए आगे इसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्मीदवार को उपयुक्त विषय में किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म जो शुरू होगा 28 सितंबर 2020, अभी शुरू नहीं हो रहा है फॉर्म, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 सितंबर 2020 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2020 है। अब चलिए आगे इसके बारे में दिया हुआ है फॉर्म किस तरह से भरना है। फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा, दोबारा सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही तरीके से फिलअप कीजिएगा, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से आपको फिलअप करना है, फोटोग्राफ बिल्कुल सही तरीके से दीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी में सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, फॉर्म का जो रिसीविंग है उसको प्रिंट आउट करके आपको रख लेना है, लेकिन आयोग भेजना नहीं है। अभी जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा इसका रिसीविंग आपको आयोग भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, बाद में मांगा जा सकता है आपसे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, सभी आपसे इंटरव्यू के समय मांगा जाएगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट है सभी आप तैयार करके रख लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। इंटरव्यू जब आप देने जाइएगा तो उस समय मूल प्रमाण पत्र मांगा जाता है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, सभी आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाना है। अभी आपको कोई भी सर्टिफिकेट आयोग भेजने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरते समय भी अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म में फिलअप करना है, कितना मार्क्स आया है, कहाँ से आप पास आउट है, ये सभी जानकारी आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, इस प्रतियोगिता परीक्षा है तो विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट बीपीएससी पर उपलब्ध है, यहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से भी देख सकते हैं और एक अलग से वीडियो आएगा। अभी तक बीपीएससी में जिस भी विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 64वीं, 63वीं, 62वीं में उसका एक अलग से वीडियो बनाकर देंगे, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स आपको कितने दिनों का पढ़ना है, तैयारी कैसे करना है। तो विज्ञापन की जितने मूल बातें थी आप लोगों को बता दिए, वैकेंसी का आप डिटेल्स अगर देखना चाहते तो यहाँ पर शुरू में दिया हुआ है कौन सा पोस्ट यहाँ पर है, देख सकते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल्स है। टोटल जो इसमें वैकेंसी है 562 हो गया, जिसमें से 169 गर्ल्स के लिए रिजर्व है, बाकी सभी कैटेगरी का यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं, 233 जनरल में हो गया, बाकी यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज दिया हो। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फॉर्म भरने के लिए जो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हो, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा, फिर वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा और फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञापन जो आज के डेट में प्रकाशित हुआ है 16 सितंबर 2020 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन का यहाँ पर हो गया एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करके आप पूरा विज्ञापन को पढ़ सकते हैं और यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप निर्देश को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए इस निर्देश को डाउनलोड करते हैं और फॉर्म का यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो पहला पॉइंट में दिया हुआ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, फॉर्म भरते समय आपको फिलअप करना पड़ेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही भविष्य में कोई भी सूचना रहेगी आयोग से संबंधित तो आपको दिया जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कीजिएगा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद एक नया वेबसाइट ओपन होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ onlinebpsc.bihar.gov.in, यह भी आप यहाँ पर जो भी वेबसाइट का नाम दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा और फॉर्म से संबंधित बेसिक जानकारी जैसे हो गया फादर्स नेम हो गया,
क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सभी फिलअप करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल वीसा बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। दोबारा सुधार की कोई भी मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है, सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। दोनों अलग अलग से आपको अपलोड करना है। 15 से 25 KB के बीच का साइज होना चाहिए और फोटो जो होना चाहिए बिल्कुल क्लियर तरीके से दीजिएगा। सिग्नेचर जो आपको करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर कीजिएगा। यह सभी फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जब पूरा सबमिट कर दीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। पीडीएफ फॉर्म में सेव करके भी रख लीजिएगा। भविष्य में अगर एडमिट कार्ड नहीं जारी होता है तो उस समय आपसे एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स मांगा जाएगा, रिसीविंग मांगा जाएगा, तभी आपको दोबारा कोई एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो इसलिए आप इसको सेव करके जरूर रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी बेसिक जानकारी जरूर आप रख लीजिएगा। अगर फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का समस्या होती है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया हो, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विज्ञापन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, फॉर्म कैसे भरना है, ये सभी आप लोगों को बता दिए हैं। और एक अलग से वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है।